मिलान लुथरिया बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का काफी वेल नोन डायरेक्टर है और रिसेंटली उनका फिल्म रिलीज हुआ है तड़प और जिसको मिल रही है पॉजिटिव रिव्यू। तो आज मैं ऐसे ही डायरेक्टर मिलान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, कच्चे धागे। ये 1999 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर सुपरस्टार अजय देवगन, सैफ अली खान और मनीषा को लीड रोल में नजर आई है और इसमें एक स्मगलर कैसे राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर में ड्रग सप्लाई करते हुए इसमें दिखी है, जहाँ पर बजट 13 करोड़, कलेक्शन रहा 30 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर टू, चोरी चोरी। ये 2003 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन के साथ रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आई है और इसमें राज और प्रिया एक मैरिड कपल के बीच में सैरोगेट माँ की कहानी को दिखाई है और जो रहा हिट। नंबर थ्री, दीवार। ये 2004 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर का कहानी को दिखाई है और जो रहा एवरेज। नंबर फोर, टैक्सी नॉन्ग 9 to 11। ये 2006 का कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर नाना पाटेकर जॉन अब्राहम को लीड रोल में नजर आई है और इसमें पैसा के साथ जुड़कर एक टैक्सी ड्राइवर राघव और एक आमिर लड़का जय का कहानी को दिखाई है और जो फिल्म 2006 का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म था और ये रहा हिट। नंबर फाइव, हैट्रिक। ये 2007 का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जहाँ पर रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर लीड रोल में नजर आई है और जो था फ्लॉप। नंबर सिक्स, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ये 2010 का गैंगस्टर फिल्म है जहाँ पर अजय देवगन के साथ इमरान हाशमी, कंगना रनौत लीड रोल में नजर आई है और इसका स्टोरी मुंबई का अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम पर बेस्ड था, जहाँ पर इस फिल्म को मिला था क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ये फिल्म रहा हिट। नंबर सेवन, द डर्टी पिक्चर। ये 2011 का बायोग्राफिकल म्यूजिक ड्रामा फिल्म है जहाँ पर विद्या बालन, इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में नजर आई है और इसमें साउथ इंडियन का इरोटिक एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की लाइफ स्टोरी को दिखाई है और इसी फिल्म के साथ विद्या को द हीरो ऑफ द फिल्म मानी जाती है और जहाँ पर ये फिल्म 3 नेशनल फिल्म अवार्ड भी विनर रहा, जहाँ पर बजट था 30 करोड़, कलेक्शन रहा 120 करोड़ और ये रहा सुपरहिट। नंबर एट, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। ये 2013 का गैंगस्टर फिल्म है जहाँ पर खिलाड़ी अक्षय के साथ इमरान खान और सोनाक्षी को लीड रोल में नजर है पर यह सिक्वल रहा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। नंबर नाइन, बादशाह। ये 2017 का एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पर अजय के साथ इमरान हाशमी, इलियाना डी क्रूज लीड रोल में नजर आई है और इसका स्टोरी 1975 और 77 के बीच में इमरजेंसी एरा पर बेस्ड है और जो था फ्लॉप। नंबर टेन, तड़प। ये 2021 का रिसेंट रिलीज रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पर सुनील शेट्टी का बेटा आहन शेट्टी ने बॉलीवुड पर किया है अपनी ग्रैंड एंट्री और दूसरी तरफ नजर आई है तारा सुतारिया को और इसमें दोनों का एक्सट्रीम लव अफेयर के साथ जुड़ा कर एक्सट्रीम वायलेंस भी नजर आई है और जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि फिल्म तेलुगु का फिल्म RX100 का रीमेक है और जहाँ पर इसमें आहन शेट्टी का इंटेंस रॉ अवतार और साथ में सुपर कॉन्फिडेंट लुक के लिए उनको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जहाँ पर इस फिल्म का फर्स्ट हाफ रहा काफी डिसेंट और सेकेंड हाफ काफी सुपर्ब रहा और साथ में रहा एक ट्विस्ट। और बता दोस्तों, जहाँ पर इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.6 out of 10, तो सबको क्या लगता है, तारा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगा या फिर होगा फ्लॉप, कमेंट पे बताइएगा। तो सो ये रहा डायरेक्टर लुथरिया का सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और ऐसे फिल्मों से कौन से आपका फेवरेट है कमेंट पे बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा और सके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।